हेलो दोस्तों, प्राश गिटार में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत हूँ और आज मैं आपको गिटार के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो पहले मैं बता देता हूँ, एक छोटा छोटा पार्ट्स बता देता हूँ आपको कि ये हेड होता है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर वाइट लाइन तक, ये नेक होती है, ये जो आप देख रहे हैं ये लंबी सी नेक होती है यहाँ तक, और ये बॉडी होती है, ये पूरी बॉडी है इधर से लेकर इधर तक। तो हेड में ये पूरा का पूरा पोर्शन ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हेड स्टॉक कहलाता है। ओके, इसके अंदर ट्यूनिंग पैक्स अटैच होते हैं, ट्यूनिंग पैक्स इन्हें कहते हैं। ये जो वाइट कलर के, ये वाइट में भी आते हैं, ब्राउन में भी आते हैं, अलग अलग रंगों में आते हैं, ये सिल्वर में भी आते हैं, गोल्डन में भी आते हैं। ओके, और बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइंस में आते हैं, जैसे जैसे आप गिटार लेते हैं उस तरह के डिज़ाइन में। मेरा गिटार फेंडर का है, मैं आपको बता देता हूँ। और ये ट्यूनिंग पैक्स जो है ये स्ट्रिंग्स को ट्यून करने के काम आते हैं। स्ट्रिंग्स को एक सेट फ्रीक्वेंसी पे हमें रखना होता है, तो उस सेट फ्रीक्वेंसी पे हमें लाने के लिए इन्हें तारों को थोड़ा कसना होता है या ढीला करना होता है। ओके, और फिर ये मैंने बताया आपको नट होता है, ये वाला नट जो होता है, हमारे पास दो नट है, एक ही नट ये है और एक नट इधर है। एक नट हमारा बॉडी पे है और एक नट हमारा इधर है। तो ये नट जो है हमारा, ये हेड से नेक को अटैच करने के काम आता है। ओके, हेड से नेक को स्ट्रिंग्स के थ्रू, इस पर स्ट्रिंग अटैच होती है, हेड से नेक को स्ट्रिंग्स के साथ अटैच करने का काम होता है। और नेक पे हमारे जो है फ्रेट बोर्ड होता है, फर्स्ट फ्रेट सेकंड फ्रेट, ये जो आप लाइन देख रहे होंगे नीचे की तरफ, फर्स्ट फ्रेट सेकंड फ्रेट थर्ड फ्रेट फोर्थ फ्रेट, इस तरह से ये फ्रेट्स होते हैं और इसको फ्रेट बोर्ड भी कहते हैं। ओके, और ये आप वाइट कलर के पॉइंटर्स देख रहे होंगे, इन पे ये पॉइंटर्स होते हैं, ये रिमेंबर करने के काम आते हैं, ताकि आपको पता चले कि आप मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं इस पोजीशन पे हूँ। और ये अलग अलग तरह के डिज़ाइन में आते हैं, कई बार बर्ड बनी हुई होगी या फिर कुछ और बना हुआ होगा बहुत अच्छा डिज़ाइन, वो गिटार टू गिटार डिपेंड करता है। ओके, और अब हम आते हैं बॉडी पे। बॉडी पे हमारे जो है ये साउंड होल होता है, इसको साउंड होल कहते हैं, और ये साउंड होल, इससे आवाज़ निकलती है, जो भी आप प्ले करते हैं, जो भी आप बजाते हैं, इसके थ्रू आवाज़ निकलती है, आवाज़ अंदर जाती है, वो थोड़ा इको करके फिर बाहर आती है वुड से हेल्प लेके। ओके, और ये पोर्शन ब्रिज कहलाता है, ये ब्रिज कहलाता है, जो कि बॉडी को नेक से अटैच करता है। और ब्रिज के अंदर ये जो मैंने पहले ही बताया, ये नट है, ये वाइट कलर का नट है, आप देख रहे होंगे लाइन सी, तो ये नट भी जो है आपके बॉडी से नेक को, स्ट्रिंग्स को अटैच करता है। ओके, और फिर किस तरह से अटैच करता है, ये स्ट्रिंग पिन्स हैं, ये पिन्स हैं छह, आप देख रहे होंगे गोल से, 1 2 3 4 5 6, इनसे अटैच करता है ये इसको। ये दो तरह के होते हैं, एक जिनमें कि हम वायर लगा सकते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्हें सेमी इलेक्ट्रिक कहते हैं, और एक नॉर्मल होते हैं जिनमें कि हम वायर नहीं लगा सकते हैं, वो नॉर्मल होते हैं। ओके, उसमें ये ऐसा पोर्शन आपके नहीं होता है, वो एकदम प्लेन होता है। तो आज पार्ट्स में इतना ही, आशा करता हूँ इससे आपको गिटार के बारे में थोड़ी नॉलेज मिलेगी। और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। धन्यवाद।